अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पूरे शहर में और अब तो पूरी रियासती सतह पर भी मस्जिद फातिमा का जिक्र जारी है, चर्चा जारी है। कुछ हिंदुत्ववादी तंजीमों ने इसे गैर कानूनी कहते हुए, यानी कि ये मकान को ही मस्जिद में तब्दील करने का दावा करते हुए इसे बंद करने की मांग की थी, मुतालबे भी पेश किए थे। पिछली मरतबा भी उन्होंने, कई सारे हिंदुत्व तंजीमों के अफराद यहाँ पर आए और उन्होंने इसके ख़िलाफ़ एहतजाज भी किया था। जहाँ तक मस्जिद के ज़िम्मेदारान का सवाल है, उन्होंने ये भी कहा कि ये मस्जिद वक्फ बोर्ड में रजिस्टर है और ये कानूनी कार्रवाई के तहत ज़ेर समात भी है और जल्द इस पर फैसला भी आने वाला है। लिहाजा इस फैसले का इंतज़ार करने से पहले, लेकिन कॉरपोरेशन फिर वक्फ बोर्ड की जानिब से भी मस्जिद को बंद करने का हुक्म दिया गया था, यहाँ पर पर्चे भी ला कर लगाए गए थे। लिहाजा फ़िलहाल मस्जिद पर आप देख सकते हैं कि पीछे ताला लगाया हुआ है। जो भी हो, मस्जिद के ज़िम्मेदारान कुछ भी दावा करते हो, लेकिन इतना तो सच है कि यहाँ पर अब मस्जिद में नमाज नहीं हो रही और मस्जिद को बंद किया गया। इन तमाम मामलात के बाद, इन तमाम बातों के बावजूद एक सवाल फिर भी ये उठता है कि जो तंजीमें, जो फ़िरका परस्त तंजीमों के अफराद जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी करते हुए यहाँ पर घरों में घुसकर मारने की और तशद्दुद फैलाने की बात की, क्या उन पर कार्रवाई हुई? क्या पुलिस की जानिब से, या तो फिर उनके ऊपर मुकदमे दायर किए गए, या फिर इनकी कितनी गिरफ्तारियां हुई? ऐसा भी सवाल आवाम की जानिब से किया गया है। लिहाजा मुख्तसर एक रिपोर्ट देखते हैं मस्जिद फातिमा पर कि कब से कैसे बनी और अब तक का क्या रिपोर्ट है। बहुत अनकरीब फैसला आने वाला है और मस्जिद के ज़िम्मेदारान का भी ये कहना है कि जो अदालती फैसला है वो मस्जिद के हक में आएगा। लिहाजा उम्मीद करते हैं कि जब तक कि यह फैसला आए, हालात क्या रहेंगे। फ़िलहाल तो मस्जिद बंद है, आप पीछे देख सकते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बेलगाम शहर में कई जात पात के लोग अरसे से मिलजुल कर रहते हैं। पिछले कुछ अरसे से माहौल में तनाव देखा जा रहा है। कर्नाटक महाराष्ट्र का सरहदी मामला तो है ही, पर इससे भी ज़्यादा सियासी मुफाद हासिल करने के लिए हिंदू मुस्लिम कार्ड अब सबसे मुफीद समझा जाता है। और हकीकत भी है, क्योंकि जब से भाजपा इख्तदार पसीर हुई है, इसी एक मसले की इर्द गिर्द बहस मुबासे देखे जा रहे हैं और यह कामयाब भी है। लिहाजा बेलगाम की मस्जिद फातिमा अब सर फहरिस्त है। पिछले कुछ महीनों में ज़्यादा चर्चा तस्करा इसी मस्जिद को लेकर हो रहा है, यहाँ तक नेशनल मीडिया ने भी इसे लेकर सुर्खियाँ बटोरी है। आज इस मस्जिद को ताला लगाया गया। बेलगाम शहर का मुस्लिम समाज अजीब उलझनों में उलझता जा रहा है, क्योंकि इख्तदार में भाजपा है और MP MLA कॉरपोरेशन तक भाजपा की ही हुकूमत है। कांग्रेस का कुछ हद तक तसल्लुत तो है, लेकिन इसे अगर महदूद कहा जाए तो गलत न होगा। बेलगाम ग्रामीण में पिछली मर्तबा कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। खैर, इस बार भाजपा को हिंदू मुस्लिम के जरिए फिर से कामयाबी हासिल करनी है। हिंदुत्व तंजीमों ने सारथी नगर के मस्जिद फातिमा का मौजू उठाते हुए इसे गैर कानूनी कहा और अपने मुतालबे में बताया कि घर को मस्जिद बनाया गया है, जबकि सारथी नगर के मुसलमानों की तादाद बहुत कम है। इत्तला के मुताबिक बेलगाम के सारथी नगर इलाके में फातिमा मस्जिद के गैर कानूनी तामीर के इल्ज़ामों के मद्देनज़र बेलगाम कॉरपोरेशन ने मजहबी सरगर्मियों को और ख़ासकर नमाज को रोकने के लिए वक्फ बोर्ड को फौरी तौर पर मस्जिद बंद करने का नोटिस जारी किया। इसके मुताबिक वक्फ बोर्ड ने फातिमा मस्जिद को बंद कर दिया है। आज मस्जिद के सामने पुलिस की गाड़ियाँ और मस्जिद को ताला लगा हुआ देखा गया। एक हफ्ते पहले हिंदू तंजीमों के मुकामी लीडरों, कारकुनान और भाजपा के साबिक MLA संजय पाटिल ने मस्जिद को गैर कानूनी तौर पर तामीरी का इल्ज़ाम के बीच मस्जिद को फौरन बंद करने की मांग की। इसी जमरे में DC बेलगाम को भी बयान दिया गया। लिहाजा बेलगाम कॉरपोरेशन ने वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया और वक्फ बोर्ड ने फातिमा मस्जिद को बंद कर ही दिया। पुलिस बंदोबस्त के साथ एहतियात के तौर पर मस्जिद के सामने KSRP की एक टुकड़ी को तैनात किया गया। मस्जिद फातिमा का पस मंजर इस तरह है। 2011 में कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट मोटरिस्ट एसोसिएशन ने लेआउट तैयार किया और प्लॉट को बेच दिया। प्लॉट नंबर 19 को 2013 में निंगप्पा दानवड़े से खरीदा गया था। फिर दानवड़े ने इस प्लॉट को दुबई के अब्दुल अजीज कमदोड़ को बेच दिया और यह मिल्कियत अब्दुल अजीज कमदोड़ की हो गई। कमदोड़ ने 2018 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एजुकेशन एंड चैरिटेबल सोसाइटी को इस जगह को गिफ्ट कर दिया। 2020 में सोसाइटी ने ज़मीन पर मस्जिद बना ली और इसका नाम मस्जिद फातिमा रखा गया। मुस्लिम जमात का दावा है कि जिस ज़मीन को लेकर बेवजह हंगामा किया जा रहा है, ज़मीन व बोर्ड की मिल्कियत है। कॉरपोरेशन ने पिछले साल 26 अप्रैल को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद सोसाइटी और वक्फ बोर्ड को शो कॉज नोटिस जारी किया था,
दो दिन पहले फिर से वह बोर्ड को नोटिस जारी किया गया था। इल्जाम है कि वहां नमाज अदा की जा रही है। कॉरपोरेशन ने जगह का गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाते हुए मस्जिद की तमाम इबादतों को बंद करने का नोटिस जारी किया और इसको गेट पर चस्पा किया, लिहाजा मस्जिद को आखिरकार ताला लगाया गया। जैसा कि हमने ऊपर कहा है कि कानूनी बहस तो चलती रहेगी और जमात के जिम्मेदारान ने जो भी अदालती फैसला होगा इसे कबूल करने की भी बात कही, लेकिन बेलगाम और अतराफ में हिंदुत्व तंजीमों का बढ़ता तसल्लुत और सड़कों पर उतरकर जो फैसला करने की गुंडागर्दी जारी है, इस पर रोक कैसे लगाया जाएगा? आखिर इन लोगों की गिरफ्तारी अब तक अमल में क्यों नहीं? आज चलो सारथी नगर की मुहिम चलाकर शहर में सोशल मीडिया के जरिए एक डर खौफ का माहौल पैदा करने वाले रामसेना बजरंग दल के कारकुनान को आज़ाद क्यों छोड़ा गया है? महज सियासी मफाद हासिल करने के लिए कभी मस्जिद तो कभी दरगाह का मसला जानबूझकर छेड़ा जाता रहा है। जब भी मस्जिदों की तामीर की जाती है तो तमाम जायज़ दस्तावेज़ों की बुनियाद पर ही ज़मीन की खरीदी और मस्जिद की तामीर की जाती है, ऐसा इल्मी माहिरीन ने बताया। और ख़ासकर शरई मसाइल पर इल्मी दानिशोरों की राय लेकर मस्जिदों को तामीर किया जाता रहा है, लेकिन किसी न किसी मामले को लेकर इस तरह हिरासा कर मस्जिदों को बंद करना कब तक चलता रहेगा? जब बेलगाम पुलिस तमाम मसलों को हल करने में काबिल है तो बात बात पर सड़क पर उतरकर कानून को हाथ में लेने की धमकी देने वालों पर क्या किसी सियासी पार्टी या लीडरों का हाथ है जिसके बिना पर कानून का डर इनके दिलों में नहीं है? क्या कानून से ऊपर ये तंजीमों के अफराद हैं? ऐसे कई सवाल अवाम के दरमियान पूछे जा रहे हैं। दूसरी तरफ क्या मुसलमानों की इबादत गाहों को लेकर जो चाहे सवाल उठाता रहेगा और इस पर मुस्लिम समाज कानून के दायरे में तक अपना हक मांगना नहीं चाहते, इसे क्या कहा जाए? आज भी इस मुल्क का संविधान जिंदा है, कानून न्याय व्यवस्था मौजूद है, तो आखिर अपने हो रही ज्यादती पर एक लफ्ज तक बोलना मुस्लिम समाज क्यों नहीं चाहता? मस्जिद के जिम्मेदारों का कहना है कि अदालत का फैसला इन्हीं के हक में आएगा, अगर नहीं आया तो क्या मंसूबा जमातों के पास होगा? इसी तरह की बढ़ती वारदातों के तहत मुस्लिम समाज को बड़े पैमाने पर कानूनी लड़ाई तो लड़नी ही होगी। शहर का अमन बरकरार रहे इसकी भी कोशिश तमाम हिंदू और मुसलमानों की तरफ से होनी चाहिए, और अगर कोई शहर के अमन को ख़राब करने की कोशिश करता है बिला किसी सियासी दबाव के कार्रवाई करनी चाहिए। इतना तो ज़रूर समझ में आ रहा है कि फिरका परस्तों की बढ़ती वारदातों को रोकने के लिए मुस्लिम समाज का मुत्तहिद होना ज़रूरी है, वरना यूं ही बिला वजह सियासी मफाद हासिल करने के लिए फिरका परस्त इबादत गाहों को निशाना बनाते ही रहेंगे, ये भी उतना ही सच है। आज की मस्जिद फातिमा पर रिपोर्ट कैसे लगी इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।